भारत हिंदू राष्ट्र ही था और हमको कागज पर सरकार के द्वारा घोषणा नहीं चाहिए, हमको तो भारत के रहने वाले लोगों के दिलों में घोषणा चाहिए। हमारा उद्देश्य अलग, और हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र का उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे मजहब को नीचा दिखाना या भगाना। हम उस भारत से हैं, उस सनातन धर्म से हैं जो आज सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो सबको अपने में समावेश करता है। हमने रहीम, रसखान, मीरा, रैदास, सूरदास, वाल्मीकि, तुलसी, इन सबको एक पंक्ति में बैठा करके अमृतस्य पुत्रा मान करके इनकी वंदना की है। इससे ये तय होता है कि हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं, ना ईसाइयों के विरोधी हैं, हम सनातन के कट्टर पक्षधर हैं। कोई आता है तो स्वागत करना हमारा धर्म है। राम जी ने रावण के भाई को निरीक्षक पर स्वागत किया और हम इन लोगों का स्वागत कर सकते हैं। अगर अनुभव में तो हम ये कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा भी बहुत युवाओं में जागृति आई, युवा में ट्रेंड आया। सोशल मीडिया के आधार पर अगर आप उसका उदाहरण निकाल करके देखें तो हर दूसरी तीसरी रील या पोस्ट सनातन से संबंधित होगी, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित होगी। राम मंदिर का वर्णन यह तय है कि हिंदू राष्ट्र की यात्रा की ओर अग्रसर है, कृष्ण जन्मभूमि होने की बारी है, ये हिंदू राष्ट्र का ही पर्याय है। बस इस देश में एक कठोर कानून जिस दिन निर्णय हो जाएगा, राम पर कमेंट्स करने वाले गीता अथवा माता सीता, गायत्री अथवा गंगा, गाय, इन पर कमेंट्स करने वाले, इनकी अवहेलना करने वाले लोगों को जिस दिन फांसी दंड या कठोर कारावास की पद्धति प्रारंभ होगी, उसी दिन हिंदू राष्ट्र का पर्याय का विकल्प पूर्ण हो जाएगा।